यहाँ हरिजन सेवक संघ के संचालक आदरणीय सान्याल साहब, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मंचस्थ सभी धर्म गुरुजन, ये हमारा सौभाग्य है आज हम गांधी जी द्वारा स्थापित इस आश्रम में आ सके। धर्माचार्य आज यह मंच पर विराजमान हैं। भारत सदा धर्म प्रधान देश रहा है और जिसने भी धर्म की पालना की है वो महान कहलाया है। भारतीय इतिहास में दो सम्राटों को, दो राजाओं को महान कहा गया है, एक अशोक महान और दूसरे अकबर महान। अशोक यद्यपि बौद्ध धर्म को अधिक मानते थे लेकिन उन्होंने एक आदेश प्रसारित कराया था कि मेरे राज्य में, मेरे देश में जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है उसी अनुपात से राजकीय कोष से उसको अनुदान दिया जाना चाहिए। धर्म महामात्र नाम के अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए थे और इसी वजह से वो धर्म का पालन कराते थे। आप देखते हैं चार इसलिए हैं कि अशोक ने ये कहा था कि आज के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, पूज्य स्वामी सिद्धानंद जी महाराज जानते हैं, ये घोषणा की थी कि कलिंग युद्ध के बाद मेरे धर्म में कभी भी रणभेरी नहीं बजेगी, युद्ध नहीं होगा बल्कि धर्म भेरी बजेगी। इसलिए चारों सिंहों के मुख से धर्म भेरी का उन्होंने नियुक्त किया। दूसरे अकबर महान हैं, दीने इलाही चला करके सब धर्मों से अच्छी अच्छी बातें लेकर के उन्होंने धर्म की पालना कराने का प्रयास किया, इसलिए दोनों महान कहलाते हैं। ब्रिटेन के इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में केवल एक व्यक्ति को महान कहा जाता है, महारानी एलिजाबेथ। उससे पहले चाहे हेनरी सप्तम थे, अष्टम थे, एडवर्ड षष्ठ थे, मेरी ट्यूटर थी, उनके समय में धर्म को लेकर बहुत अधिक लड़ाइयाँ हुई और यहाँ तक हुआ कि मेरी ट्यूटर को इंग्लैंड के इतिहास में ब्लडी मेरी कहा जाता था। बस अब खत्म कर, बस वही कर रहा हूँ। तो ये जो इस समय कार्यक्रम रखा जा रहा है इसमें आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह के बारे में कुछ कहूँ। चौधरी साहब संविधान सभा के सदस्य थे और चौधरी साहब उसके बाद लोकसभा, संयुक्त पंजाब में जो विधानसभा थी उसके, फिर हरियाणा विधानसभा में अनेक सदनों में मंत्री रहे। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि संयुक्त पंजाब में हरिजन संघ के वो लंबे समय तक प्रधान रहे और उनके जो पिताश्री थे चौधरी माथुराम जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के परदादा, उन्होंने सबसे पहले हरियाणा में हरिजनों के लिए अपना कुआं खोला और सहभोज किए, साथ बैठ करके खाना खिलाया। पांच लोगों ने हरियाणा में अपने कुएं खोले थे, पंचायत करके लोगों ने उनको जाति से बहिष्कृत किया लेकिन वो अडिग रहे, जनेऊ लिया और ये कहा मुझे जाति से बाहर करो या कुछ भी करो, मैं सबको एक साथ लाने का काम करूंगा। और इसीलिए मैं अपने कुएं पर सबसे पहले हरिजनों को उन्होंने चढ़ाया। चौधरी रणवीर सिंह जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चले और जगह जगह आजादी से पहले उन्होंने सहभोज कराए। हरियाणा में आज छुआछूत नहीं है, ये उन्हीं की देन है।
और दूसरे प्रांतों में आप जाएं, पूर्वी यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, कहीं भी जाइए, छुआछूत अभी भी भारी मात्रा में है। लेकिन चौधरी साहब की वजह से हरियाणा में छुआछूत नाम मात्र की है। जो लोग कार्यालयों में जाते हैं, ऑफिसेज में, वो अपने टिफिन में खाना ले जाते हैं। हरिजन भाई भी और दूसरे भी एक टिफिन से खाना खाते हैं। आज ये स्थिति उन्हीं की कृपा की वजह से है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जो अवार्ड दिया जा रहा है, आप बता दें। देखिए, जिस अवार्ड के लिए आपने चुना है वो बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं और हमारे सिरमौर रहे हैं, सदा हमारे श्रद्धेय रहे हैं। उनका नाम शताब्दियों, दशाब्दियों, सहस्राब्दियों तक चलता रहे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।